दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए मजेदार वीडियो में। दोस्तों अंतरिक्ष और उसके अंतहीन रहस्य लोगों को काफी ज्यादा आकर्षित करते हैं। इसके अनसुलझे रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करते हुए एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष की यात्रा करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में उनके स्वास्थ्य में काफी बदलाव होते हैं, जिसके कारण उनका जो शरीर है वो काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है। आखिर वो क्या है जिस वजह से अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट्स कमजोर हो जाते हैं, इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। बस आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहना। दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त 2023 को चांद के दक्षिणी हिस्से में लैंड कर इतिहास रच दिया। भारत चांद के इस हिस्से में उतरने में सफल रहने वाला पहला देश बन गया। लेकिन कई दशक पहले ही अमेरिका ने चांद पर अंतरिक्ष यात्रियों को उतारकर ऐसा काम कर दिया था जिसे अब तक कोई देश नहीं दोहरा पाया है। हालांकि अंतरिक्ष यात्रियों का स्पेस ट्रैवल करना जारी है। यहां तक कि अंतरिक्ष में लगातार जारी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी बनाया गया है। इस स्टेशन पर रहकर अंतरिक्ष यात्री लगातार शोध व अध्ययन में जुटे रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन धरती की निचली कक्षा में बनाया गया सबसे बड़ा मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन है। इस परियोजना में अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा, रूस की रॉसकॉस्मोस, जापान की जैक्सा, यूरोप की ईएसए और कनाडा की सीएसए शामिल हैं। क्या आप जानते हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के साथ ही बाकी सभी एस्ट्रोनॉट्स जब अंतरिक्ष में होते हैं तो उनके स्वास्थ्य पर कई तरह के उल्टे प्रभाव पड़ते हैं। उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी कमजोर पड़ जाती है। इसके अलावा उनको कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं को झेलना पड़ता है। हालांकि स्पेस में समय बिताने के बाद जब वे धरती पर लौटते हैं तो उनकी सेहत फिर से ठीक हो जाती है। नए शोध के मुताबिक अंतरिक्ष यात्रा इंसानों के लिए एक मुश्किल अनुभव होता है। सबसे पहले कॉस्मिक विकिरण की बौछारों से एस्ट्रोनॉट्स का शरीर हिल जाती है। इसके बाद जीरो ग्रेविटी शरीर में मौजूद तरल पदार्थों और इंसान के ब्लड प्रेशर में उथल पुथल पैदा कर देता है। वहीं एस्ट्रोनॉट्स को बहुत ही संकुचित यानी छोटी सी जगह में रहना पड़ता है। इससे उनके शरीर पर अलग ही तरह का प्रभाव पड़ता है। एस्ट्रोनॉट्स को लंबे मानसिक दबाव के दौर से भी गुजरना पड़ता है। इस दौरान इस तनाव को कम करने के लिए उनके आसपास कोई होता भी नहीं है। इसमें दोस्तों और परिवार से दूर रहना भी उनके मानसिक स्वास्थ्य पर काफी असर डालता है। सबसे ज्यादा सेहतमंद लोगों को ही अंतरिक्ष यात्रा पर भेजा जाता है। उन्हें अंतरिक्ष के हालात में सहज रहने के लिए कई साल का सख्त और कड़ा प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसके बाद भी जब वे अंतरिक्ष में पहुंचते हैं तो उनकी सेहत जवाब दे देती है। अंतरिक्ष में उन्हें कई स्वास्थ्य समस्याओं को झेलना पड़ता है। अब इन स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान होने के बाद चिकित्सा क्षेत्र में एक नई शाखा शुरू कर दी गई है। इसे स्पेस हेल्थ कहा जा रहा है। स्पेस हेल्थ रिसर्च के जरिए पता चला है कि अंतरिक्ष की कम और लंबी अवधि की उड़ानों से शरीर के हर तंत्र पर असर पड़ता है। इसमें हृदय, रक्त संचार, पाचन, मांसपेशियां, हड्डियों से जुड़े तंत्र और रोग प्रतिरोधी प्रणाली तक शामिल हैं। नए शोध की रिपोर्ट कहती है कि अंतरिक्ष में जीरो ग्रेविटी के कारण स्वास्थ्य की देखभाल करना बहुत ही मुश्किल काम बन जाता है। मान लीजिए कि अगर किसी एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष उड़ान के दौरान हार्ट अटैक पड़ जाए तो छाती पर दबाव देने में मददगार किसी ठोस और कड़ी जमीन के बिना CPR देना नामुमकिन है। धरती पर CPR फर्श पर लिटाकर दिया जाता है। वहीं अंतरिक्ष में हर चीज तैरती है तो दबाव देकर हृदय की धड़कनें लौटाना करीब करीब नामुमकिन हो जाता है। DW की रिपोर्ट के मुताबिक कोलोन मेडिकल कॉलेज के स्पेस हेल्थ रिसर्चर योखन हिंकेलबाइन का कहना है कि हर अंतरिक्ष यात्री के लिए स्पेस में CPR देना बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। योखन कहते हैं कि आने वाले समय में अंतरिक्ष में स्वास्थ्य चिंताएं सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स के लिए ही बड़ी चुनौती होंगी। वहीं बदलते समय के साथ स्पेस टूरिज्म को बढ़ावा मिलने पर आम इंसान मोटा भुगतान कर अंतरिक्ष की नियमित यात्राओं की रफ्तार बढ़ाएंगे। ऐसे में अंतरिक्ष उड़ान के दौरान यात्रियों या पर्यटकों का स्वस्थ चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए दुनिया को स्पेस हेल्थ इंडस्ट्री की बहुत ज्यादा जरूरत होने लगेगी।
हालांकि अभी स्पेस हेल्थ सेक्टर का पूरा ध्यान पेशेवर अंतरिक्ष अभियानों पर ही है। ये अंतरिक्ष अभियान 6 से 12 महीने के होते हैं। लंबी अवधि के स्पेस मिशंस में एस्ट्रोनॉट्स को सबसे ज्यादा रोग प्रतिरोधक प्रणाली की कमजोरी का सामना करना पड़ता है। कनाडा की ओटावा यूनिवर्सिटी के ओडेटे लाने युविले के मुताबिक अंतरिक्ष में पहुंचने पर लोगों के शरीर में पहले से चुपचाप बैठे वायरस और ग्रंथियां सक्रिय हो जाते हैं। कुछ एस्ट्रोनॉट्स में त्वचा का संक्रमण भी उभर आता है। वह उदाहरण देते हुए कहते हैं कि चेचक वारिसेला जोस्टर वायरस से होती है। ज्यादातर लोग बचपन में चेचक से संक्रमित होते हैं, फिर इम्यूनिटी इसके संक्रमण को नियंत्रित कर लेती है। इसके बाद भी वारिसेला जोस्टर वायरस वायरोम के तौर पर चुपचाप शरीर में बैठा रहता है। बता दें कि वायरोम शरीर में मौजूद कई अच्छे और खराब वायरस का ग्रुप है। ये खामोशी से बैठे वायरस स्पेस में पैदा होने वाले तनाव के कारण फिर सक्रिय हो सकते हैं। अगर वारिसेला जोस्टर वायरस सक्रिय होता है तो त्वचा रोग शिंगगल्स पैदा कर देता है। लाने युविले का कहना है कि ऐसे संक्रमण ज्यादा समय के लिए नहीं होते हैं। उनके मुताबिक एस्ट्रोनॉट्स के धरती पर लौटने के कुछ समय बाद ही स्पेस में हुए इन्फेक्शन अपने आप ठीक हो जाते हैं। दरअसल अंतरिक्ष यात्रियों की इम्यूनिटी 4 से 5 हफ्ते के भीतर सामान्य तौर पर काम करना शुरू कर देती है। जून 2023 में प्रकाशित शोध के मुताबिक लाने युविले जानना चाहते थे कि हर्पीज जैसे वायरस अंतरिक्ष उड़ान के दौरान क्यों और कैसे सक्रिय हो जाते हैं। उनकी टीम ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 6 महीने तक अंतरिक्ष यात्रियों की रोग प्रतिरोधक प्रणाली में हुए बदलावों की जांच की। उन्होंने एस्ट्रोनॉट्स के इम्यून ट्रांसक्रिप्टोम्स से मिले डाटा को जुटाया। बता दें कि ट्रांसक्रिप्टोम इंसान के जीन्स में होने वाले बदलावों को दर्ज करता है। जीन्स पर्यावरण के प्रति तेजी से प्रतिक्रिया करते हैं। शरीर का अलग अलग हालात में ढलना जीन्स पर ही निर्भर होता है। लाने युविले की टीम ने निर्धारित समय पर अंतरिक्ष यात्रियों के खून के नमूने लिए। 3 अभियान से पहले, 4 स्पेस मिशन के दौरान और 3 यात्रा पूरी करने के बाद खून के नमूनों के ट्रांसक्रिप्टोम एनालिसिस में इम्यून सिस्टम से जुड़े जीन्स पर ध्यान दिया गया। इसमें WBC पर विशेष ध्यान दिया गया। टीम ने पाया कि 6 महीने की अंतरिक्ष यात्रा के दौरान 297 जीन्स पर असर पड़ा था। इनमें से 100 प्रतिरोधक प्रतिक्रियाओं से जुड़े थे। शोध से पता चला कि अंतरिक्ष में जीन्स की प्रतिक्रिया बदल गई थी। इनसे रोग प्रतिरोधक प्रणाली काफी सुस्त हो गई थी। इसी से शांत वायरसों को सक्रिय होने का मौका मिला। लाने युविले के मुताबिक शोधकर्ता नहीं जानते कि अंतरिक्ष यात्रा रोग प्रतिरोधक प्रणाली को कमजोर कैसे करती है, लेकिन हमें ये पता है कि इसके पीछे कई कारण होते हैं। अंतरिक्ष का पर्यावरण इंसानी शरीर के लिए एकदम रूखा और सख्त है। अंतरिक्ष की जीरो ग्रेविटी, कॉस्मिक रेडिएशन, तनाव और अलगाव इन कारणों में शामिल हैं। अध्ययन से पता चलता है कि एस्ट्रोनॉट्स की WBC ऐसी सभी तनाव वाली परिस्थितियों के प्रति प्रतिक्रियावादी होती हैं। लाने युविले को आशंका है कि माइक्रोग्रेविटी यानी शून्य गुरुत्व का अंतरिक्ष में मनुष्य की प्रतिरोध प्रणाली पर सबसे ज्यादा असर हो सकता है, जिस वजह से अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट्स को काफी ज्यादा परेशानी होती है। बाकी आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे ऐसी ही मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।